أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرف نعمتوں سے محروم کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسی تجویزیں کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی, یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ جس شے کا تم حکم کرو گے وہ تمہارے لیے حاضر ہوگی. سلہم ایہم بذالک زعیم ام لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. ان سے پوچھو کہ ان میں سے اس کا کون ذمہ لیتا ہے؟ کیا اس قول میں ان کے اور بھی شریک ہیں؟ اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو سامنے لا کریں. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود وَيُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. وَقَدْ كَانُوا يُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. جس دن پنڈلی سے کپڑا پھاڑ دیا جائے گا اور کفار سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے. ان کی آنکھیں چھکی ہوئی ہوں گی, ان پر ذلت چھا رہی ہوگی. حالانکہ پہلے اس وقت سجدے کے لیے بلاتے جاتے تھے جبکہ صحیح و سالم تھے. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیو, دوستوں اور بزرگوں, آج جو آیتیں آپ نے سنی
इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत का एक उसूल बता रहे हैं। एक असूल दुनिया का है, इंसान आलम में अरवाह में पहले रूह की सूरत में है, वहां से फिर वो एक दूसरे आलम में आता है, वो मां का रहम है। मां का रहम इंसान के जिस्म के बनने की जगह है, ना वहां पर कोई इबादत मतलूब है ना कोई नेकी मतलूब है। वहां से मां के रहम के आलम से फिर इंसान दुनिया के आलम में आता है। ये दुनिया का जो आलम है ये आमाल की जगह है, सजा और जजा की जगह नहीं। यहां नमाजी बेनमाजी अल्लाह की जमीन पर चल रहे हैं, अल्लाह को मानने वाले ना मानने वाले अल्लाह की जमीन पर चल रहे हैं। लोगों को कत्ल करने वाला भी इसी जमीन पर चल रहा है और लोगों की फलाह और बहबूद के लिए अपना वक्त देने वाला भी इसी जमीन पर चल रहा है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कयामत का दिन है तो अल्लाह ने कयामत के दिन का मिजाज यहां पर बयान फरमाया है कि अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन। मेरे नबी, दुनिया में तो ये चलो साथ घूम रहे हैं तो लोग क्या कयास कर रहे हैं, क्या कयामत के दिन भी हम मुजरिमीन के साथ वही मामला रखेंगे जो नेकोकारों के साथ रखेंगे? किस किताब में लिखा हुआ है, कहां से ये कौन सी दलील लेकर आए हैं? मालकुम कैफ तहकुमून अमलकुम किताबुन फीही तदरसून, किसी किताब में लिखा है क्या? पूछे तो सही इनसे, वहां तो ऐलान होगा वम ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ए हया करने वाली आज बेहया से अलग हो जा, तुम इधर और तुम उधर। ए ईमानदार ताजिर आज तू इधर हो जा, ए बेईमान आज उधर जाकर खड़ा हो। वहां तो ए कातिल आज मकतूल से अलग हो जा, आज नाफरमान के साथ वो मामला नहीं होगा जो दुनिया में चलता रहता था, वो जो उसका दिल किया दिन दहाड़े जो करना है करता रहे, अब नहीं होगा। कि क़यामत के दिन का अल्लाह ने एक उसूल बताया है कि क़यामत के दिन का एक उसूल है। हाँ, यहां पर तो जिस चीज को तुम्हारा दिल करता है कभी जुल्म से छीन लेते हो, हाँ? कभी अपनी ताकत पर छीन लेते हो उसको, उस दिन ऐसा नहीं कर सकोगे। हाँ, तुम समझ रहे हो क़यामत के दिन भी यही होगा? क़यामत के दिन नहीं होगा। हाँ, सलहुम अय्युहुम बिदालिका ज़ईम, ये बातें इनको किसने बताई हैं? पूछो तो सही जरा इनसे, कौन इस बात का जिम्मा लेगा? उस दिन जिन लोगों के कहने पे तूने किसी नाहक को कत्ल किया उस दिन वो सबसे ज्यादा तुझसे बेजारी का इजहार कर रहे होंगे। हाँ, जिस दिन पिंडली से कपड़ा उठाया जाएगा, उलमाए किराम फरमाते हैं ये क़यामत के दिन का जिक्र है कि जिस दिन हक जाहिर कर दिया जाएगा तो कुफार सजदे के लिए बुलाए जाएंगे, आओ आके सजदा करो। वो सजदा नहीं कर सकेंगे। एक रिवायत में आता है कि कुफार और जो बेनमाजी हैं अल्लाह उनकी कमर को तख्ते का कर देगा, वो सजदा करना चाहेंगे सजदा नहीं कर सकेंगे, और बाकी लोग सजदे में चले जाएंगे और ये नजर आएंगे कि ये सजदा नहीं कर पा रहे। खाशियतन अबसारहुम तरहकहुम ज़िल्ला, उस दिन इनके चेहरों पे इस कदर जिल्लत छाई हुई होगी और एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा कि हम तुम्हें खैर की तरफ बुलाते थे, अंबिया के तुम्हारे तरफ वादे थे, वो तुम्हें समझाते थे लेकिन तुमने एक ना सुनी, आज ये तुम्हारी जिल्लत का आगाज है। अब जिस तरह वक्त गुजरता जाएगा तुम्हारी जिल्लत बढ़ती जाएगी। मेरे अजीज दोस्तों, रमजान के दो अशरे गुजर गए,
आपसे दरख्वास्त करता हूँ, अभी भी तौबा कर लो, अभी भी अल्लाह के हर हुक्म के सामने अपनी गर्दन झुका दो। यकीन करो सिवाय इज्जत के कुछ नहीं मिलेगा, इनफरादी तौर पर भी और इज्तमाई तौर पर भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तिलावत, तर्जुमा और तफसीर से आगाज़ के बाद हम कोशिश करते हैं एक नशिस्त ज़रा ऐसे लोगों के साथ रखें कि जिनको कुछ वक्त देने से हमें लगता है कि मामला बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बहुत बेहतर हो सकते हैं। आम तौर पर हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं कि जिनको अगर आप कुछ इमदाद कर दें तो वो एक ख़ानदान या दो ख़ानदानों की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। कभी कभी फिर हम पूरे किसी इदारे के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाते हैं और उस इदारे में ज़ेरे इलाज कुछ लोगों को बुलाते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर आप वहाँ कुछ मदद करते हैं तो एक या दो ख़ानदानी कई ख़ानदानों की ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। और दूसरा मकसद ये भी होता है कि बहुत सारी बातें आप वैसे सिर्फ टेलीविज़न पर सुनते रहते हैं, कोशिश हम ये करते हैं कि इस नशरियात के ज़रिए सारा साल मौका बन नहीं पाता इस तरह का कोई, या बहुत कम मौका बनता है। ज़रा आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दिखाएँ, मसलन अगर मैं टेलीविज़न पर एक कहानी सुनाऊँ तो होता है आपको कहानी लगे कि एक बाप था, उसका जवां साल बेटा एक मर्ज का शिकार होकर मर गया, और जब उसका जवां साल बेटा मर गया तो उस बाप ने अपने जवां साल बेटे की कब्र पर यह अहद किया कि मैं मज़ीद बच्चों को इस तरह नहीं मरने दूंगा। वहाँ से उसने एक सफ़र का आगाज़ किया, उस वक्त वो एक ख्वाब था, आज वो एक बहुत बड़ी हकीकत बन गया है। शायद वैसे मैं बात कह दूँ तो आपको लगे मैं जुमले से जुमला जोड़ रहा हूँ, अल्फाज से अल्फाज जोड़ रहा हूँ, लेकिन हम जब यहाँ आपको दिखाएंगे यहाँ बिठा कर तो फिर आपको यकीन आएगा कि ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है। हमारे साथ यहाँ पर सर मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम, माइक लीजिएगा, कैसे मिजाज है, खैरियत से आप? अच्छा आपको माइक लगा हुआ है मेरा ख्याल है, ठीक, अच्छा बैठे बैठे आप तशरीफ़ रखें, तशरीफ़ रखें। कैसे मिजाज है, खैरियत से? अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे पहले, चूँकि ज़ाहिर है वक्त बड़ा महदूद होता है, तो आपके साहबजादे थे और उनका नाम था काशिफ, काशिफ, और वो 16 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ, थैलेसीमिया के, थैलेसीमिया का। पहले तो बताएं आपने एफर्ट की थी उनको बचाने की और क्यों नहीं बचा पाए, क्या हुआ था? ये एक ऐसी कहानी है कि शायद पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के बच्चों को बचाने के लिए अल्लाह ने एक वसीला बनाया था काशिफ को। और ये थैलेसीमिया मेजर ऐसी बीमारी नहीं है कि कोई एड्स या कैंसर की तरह उड़कर लग जाए या टीबी की तरह लग जाए, ये ऐसी बीमारी है जो मोरूसी सिलसिला है। हम लोग अपने बच्चों में बीमारी मुंतकिल करते हैं, बच्चे बीमार नहीं होते हैं। मैं थैलेसीमिया माइनर हूँ, मैं ठीक हूँ, और मैंने 30-32 बोतल खून भी दे चुका हूँ, मैंने मर्ज़ को नहीं बढ़ाया, आज तक मेडिसिन नहीं लिया, अल्लाह का बड़ा करम है। मेरी बीवी भी थैलेसीमिया माइनर है, मेरी कज़न है। अब हम दो माइनर माइनर की शादी हुई तो मेरा बेटा जो हुआ काशिफ, थैलेसीमिया मेजर का बच्चा पैदा हुआ। थैलेसीमिया मेजर का मतलब इसके जिस्म में ब्लड बनाने की मशीन नहीं है, ब्लड खाने की मशीन थी। 3 महीने का काशिफ हुआ, उसके जिस्म से खून ख़त्म हो गया। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने कहा भाई होमोग्लोबिन बहुत कम है, इसका होमोग्लोबिन 8-10 होना चाहिए, इसके तो 3-4 है, ब्लड लगाओ। अब काशिफ की पहली बोतल लगी 3 साल की, 3 महीने की उम्र में, 3 महीने की, 3 महीने की उम्र में। 1-1.5 महीना गुजरा, उसके जिस्म से फिर खून ख़त्म हो गया, फिर दूसरी बोतल लगी, 1-1.5 महीने बाद फिर तीसरी बोतल लगी। मैं बड़ा परेशान हुआ, एक दिन डॉक्टर साहब को मैंने दिखाया, एक बड़े स्पेशलिस्ट को, डॉक्टर साहब इसको मुसलसल खून लग रहा है, 6 महीने में इसको 7-8 बोतल ब्लड लग गया। तो हमारा टेस्ट कराया मियाँ बीवी का डॉक्टर साहब ने, और हमसे कहा कि आप दोनों मियाँ बीवी थैलेसीमिया माइनर हैं, और जब तक ये बच्चा ज़िंदा है, जब तक आप दोनों मियाँ बीवी ज़िंदा हो, इसको मुसलसल खून लगेगा, ये थैलेसीमिया मेजर का बच्चा पैदा हुआ है, इसका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। हमारे लिए नया इम्तिहान था जिंदगी। मैं 22 साल का था जब काशिफ पैदा हुआ, ब्लड लगता रहा। उन्होंने कहा साहब किसी मुल्ला मौलवी के पास जाएँ, हकीम के पास जाएँ, कहीं भी जाएँ, अमरीका लंदन, इसका इलाज नहीं है। माँ बाप थे, कोशिश करते रहे, ट्रीटमेंट के लिए भाग दौड़ होते रहे। काशिफ स्कूल जाने लगा, 5वीं 6ठी 7वीं। अब काशिफ को महीने में 2-2, 3-3 बोतल खून चढ़ रहा है। काशिफ 14 साल का हो गया, 9th क्लास में पढ़ता था। एक दिन उसके 9th के पेपर चल रहे थे, काशिफ पेपर के दौरान गिर गया। उसको घर लेकर आए, अस्पताल में दाखिल किया, हालत ऐसी थी उसको होश नहीं आता था। 8-10 दिन गुजर गए, एक वक्त ऐसा आया कि मैं मजबूर था, एक मस्जिद में नमाज पढ़ी मैंने,
असर की और अल्लाह से बड़ी दुआ कर रहा था या अल्लाह, और मैं शायद रो रहा था, शायद मैं चीख चीख के अल्लाह से दुआ कर रहा था या अल्लाह इसके लिए कोई बेहतरी कर दे। जब मैं नमाज़ ख़त्म करके अंदर आया तो डॉक्टर बुशरा दरवाजे पे खड़ी थी, कहने लगी इकबाल साहब आप इतनी ज़ोर से चीख चीख के रो रहे थे कि फुटपाथ पे चलने वाले लोग भी आपके साथ रो रहे थे बल्कि दुआ कर रहे थे। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आज 16-14 साल हो गए ये मुसलसल मौत ज़िंदगी की कश्म है, ना इसकी मौत आ रही है ना इसकी ज़िंदगी आ रही, कहीं तो इलाज होगा, कुरान में हदीस में कहीं ना कहीं जिक्र है बीमारी का, इसका भी इलाज होगा। कहने लगा आप देर हो गई है। मैंने कहा अगर कोई मौका मिल जाए कोई ट्रीटमेंट, कहने लगा हाँ एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट इलाज है। खैर उन्होंने मुझे बताया कि मैंने कहा इतने अरसा से क्यों नहीं बताया, कहने लगे इसलिए नहीं बताया कि आप उसके अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वसाइल नहीं थे आपके पास। खैर अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली, काशी फिर ठीक हो गया, फिर घर आ गया, फिर स्कूल जाने लगा। अब मैंने कोशिश की कि यार ये कैसे इसका इलाज होगा, फिर इटली से रबता किया और अमरीका लंदन से रबता किया, ये 95 की बात बता रहा हूँ, पता चला 90 लाख रुपए का खर्चा था बोन मैरो ट्रांसप्लांट, 90 लाख तो बहुत बड़ी अमाउंट थी। बहरहाल कोशिश की कहीं जमा होने का नाम ही ना ले। फिर ये जुनेद भाई बैठे हुए ये थे मोइन अख्तर ने, इन्होंने बड़ी मुहिम चलाई, शायद तारीख में ऐसी मुहिम ना चलाए, 90 लाख रुपए का खर्चा 1-1.5 साल बाद इनकी मुहिम चलाने के बाद मैं इनको ले जाने में कामयाब हो गया। मैं जब उमरा किया इटली पहुँचाऊँ, डॉक्टरों ने ट्रांसप्लांट के चेकअप किया, कहने लगे ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे पाकिस्तान ले जाओ। मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे भाई, इसको इतनी मुश्किल से तो लेकर आया, 1.5 साल लग गया मुझे, अभी 16 साल का हो रहा है, अल्लाह ने मुझे मौका भी दिया। कहने लगे इसलिए ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता कि आपके बच्चे को मुसलसल जो खून लगाए हमारे आपके जिस्म में, खून में पानी नमक आयरन सब है जिस्म में, तो बार बार जो ब्लड दिया इसको तो इसके ब्लड के साथ इतना आयरन आया कि 16 साल में आयरन को निकलने की जगह नहीं मिली तो वो बॉडी में जमा होता रहा। एक नॉर्मल इंसान के जिस्म में आयरन 40 से 160 होता है, 160 के बजाय काशिफ के जिस्म में आयरन 7,700 आयरन था, कैसा उसके नाखून खत्म हो गए। आप उसको, चूंकि मैं चाहता हूँ किसी की तरफ भी जाऊँ, आप नहीं बचा पाए, फिर आपने फिर मैं लंदन ले गया। फिर आपने इदारा क्यों कायम किया? और इदारा जब मैंने कायम किया कि मुख्तसर ये उन्होंने मुझे इटली वालों ने जवाब दिया, लंदन आया, लंदन ने भी कहा कि इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, इसका आयरन कम कर रहे हैं। बहरहाल लंदन में उन्होंने 8-8 बोतल काशिफ को ब्लड लगता था। आप अंदाज़ा करेंगे जो बच्चा 3 महीने का था और उस बच्चे को मुसलसल जो इतनी तेज़ी से ब्लड लग रहा था, 16 साल का काशिफ हो गया, 8-8 बोतल ब्लड लग रहा था, एक वक्त इतना आ गया, ऐसा ख़राब आ गया मेरे ऊपर मेरे बच्चे पे कि उसको ब्लड जल्दी जल्दी लगने लगा, 8 बोतल 10 बोतल महीने का, तसव्वुर करें आप। इन बच्चों की ज़िंदगी तकलीफदा होती है, इनकी मौत बहुत तकलीफदा होती है। ग्यारह हजार आयरन किधर, 160। मैंने अपने बेटे का दिल फटते देखा, मैंने उसकी आंख नाक से खून की धार निकलते देखी, या अल्लाह इतना कुछ किया और ऐसी मौत हो गई, काशिफ ऐसी मौत क्यों मर गया, उसने भी तकलीफ क्यों उठाई, मुझे पहले क्यों नहीं पता चला कि हम 2 महीने शादी कर रहे हैं ऐसे बच्चे को जन्म लेगा हमारे घर में। वहीं दफनाया काशिफ को, उसके कब्र पे ये अहद किया लंदन में ही, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे इतनी जिंदगी दे कि जो चीज काशिफ को नहीं मिली मैं और बच्चे ऐसे पैदा नहीं होने चाहिए, क्यों ना पहले को हम टेस्ट करवा लेते, आज इतने बच्चे मेरे साथ आए हुए हैं यहाँ पर, आज काशिफ जिंदा नहीं है, 10-12 हॉस्पिटल खुले हुए हैं मेरे पास, मैं कहता हूँ अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ता हूँ अपने बच्चों का टेस्ट करवा लें, अपना टेस्ट करा लें, ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जिसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए, माँ बाप की ज़िंदगी ख़राब हो जाए। एक बच्चे के इलाज पर पता 8,000 से लेकर 20,000 रुपया एक महीने का खर्चा है, ये मैं कोई इस प्रोग्राम की वजह से नहीं बता रहा हूँ, किसी को जिंदगी देखनी है मेरे सेंटर पे आ जाए डालमिया। आपने काशिफ की डेथ के बाद सेंटर बनाया, सेंटर बनाया पेशेंट्स के लिए, काशिफ के नाम पर बनाया, काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर। और मैंने आज उसका माहाना टर्नओवर सालाना और उसमें कितने मरीज जेरे इलाज हैं आप ये देखें, 6-7 करोड़ रुपए का बजट, आज तक मुझे किसी रियासत ने, किसी गवर्नमेंट ने, किसी अमरीका लंदन ने 1 रुपया नहीं दिया। मेरा सेंटर आके देखें ऐसा लगेगा किसी इंग्लैंड के हॉस्पिटल में आ गए,
तमाम सर्विसेज आप फ्री फराम कर रहे हैं, तमाम खाना कपड़ा पता नहीं अल्लाह ने क्या क्या दिया हुआ है। और आज मैं कहता हूँ काशिफ जिंदा है, आज काशिफ के इंतकाल को 20 साल हो गए, 20 साल को छोटी मोटा नहीं आज, मगर मैं एक लम्हे के लिए नहीं भूलता हूँ काशिफ को, मैं कहाँ से भूलूँ उस बच्चे को, काशिफ कहाँ से लाऊं, मगर ये जो काशिफ है। तो ये देखें, ये बताने का मकसद ये था कि अक्सर बहुत सारी बातें हम सिर्फ वैसे ही सुन लेते हैं, केसेस तो हमारे साथ होते हैं रोजाना, लेकिन उसके बाद उन्होंने सफ़र शुरू किया और आज इनके पेशेंट में, इनके सेंटर में हज़ारों थैलेसीमिया पेशेंट से जेरे इलाज, ये बताने का मकसद है कि इस इदारे पर अगर आप लोग जितना भी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो ये एक इंडिविजुअल की नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे खानदानों की सपोर्ट होगी। जिस तरह हमारे साथ ये एक फैमिली यहाँ पर मौजूद है, ये इनके दो बच्चे हैं, दोनों को थैलेसीमिया का मर्ज है, तीन फैमिलीज हैं, तीनों के दो दो बच्चों को थैलेसीमिया का मर्ज है, यानी कि तीनों बच्चों को हर कुछ दिनों बाद पूरे का पूरा ब्लड चेंज होता है बॉडी का। अस्सलाम वालेकुम। ये आपके बेटे को क्या है? थैलेसीमिया, उसको खून चढ़ता है हर महीने। और इसको थैलेसीमिया के अलावा भी कुछ आँखों वगैरह, आँखों में मोती आ गए थे सफ़ेद, ऑपरेशन करवाए थे, एक आँख सही बनी एक नहीं बनी, एक ख़राब हो गई भेंगी हो गई, इसका दोबारा ऑपरेशन बोला है, बड़ा होगा तो अभी नहीं कर रहे, डर के मारे थैलेसीमिया ना, अभी सीढ़ी नहीं के छोटे हैं ना, उसके अलावा हज़ार मसले इसके साथ लगे रहते हैं कुछ ना। क्या और क्या मसला है? चल नहीं सकता सही से, टांगों से वो कमज़ोरी अंदरूनी गिर जाता है, खेल नहीं पाता, बहुत मसले इनके साथ, कुछ सही से खा पी नहीं सकते, दिल चाहे तो खेला दिल चाहे तो नहीं खेला, खाया पिया नहीं खाया, इसी तरीके से। ये बेटी है मेरी, इसको भी इसी तरीके से, 15-16 साल की हो गई है, इसके मुँह का हाल देखे कैसा हो रहा है, क्या हुआ है इसको, ये बीमारियों की वजह से ऐसा हो रहा है, डॉक्टर कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं, बस खून तब्दील होता रहेगा, खून चेंज करवाया करो टाइम पे, दवाइयाँ दो इसको टाइम से, दवाइयाँ खिलाया करो, दवाइयों का नांगा नहीं किया करो, गरीब आदमी कहाँ से हम लोग करें, इसको कितने टाइम बाद खून तब्दील होता है इसको? और 15 दिन बाद बोलते हैं इसको खून लगवाने को, महीने बाद लेके आते हैं, कभी एक को फिर दोनों को लगवाना होता है तो बहुत मुश्किल है, दवाइयाँ तो इसकी मैं ले भी नहीं पाती, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, इसमें हमने सिर्फ सैंपल के तौर पे आपको 2-3 केसेस दिखा रहे हैं। इस तरह ये अगेन, ये अब ये जनेबे छोटी सी बच्ची है, इसको इस मंगल को ब्लड चढ़ना था पिछले मंगल को, और एक तो वसाइल की वजह से भी और दूसरा खून की अदम दस्तियाबी की वजह से ब्लड नहीं चढ़ सका। ये भी एक अपील है, आज हम सिर्फ आपसे ये नहीं कह रहे कि आप कुछ डोनेट करें, वो तो आप करें ही, लेकिन अवेयरनेस भी है कि जितना ज़्यादा ब्लड डोनेट करते हैं उस सूरत में भी आप डोनेट कर सकते हैं, मतलब वरना अगर ब्लड डोनेशन की जिस तरह कमी हो जाती है तो फिर ये लोग, ये बच्चे इस तरह सफ़र करते हैं। इसको मंगल को इसको लगना था ब्लड, इसको मंगल को चढ़ना था ब्लड, हाँ। बेटे को तो चढ़ दिया, बेटी को नहीं चढ़ा था इसको, इसको बहुत ज़रूरत होती है, कभी 15 दिन के बाद चढ़ता है, कभी 8 दिन के बाद भी चढ़ता है, इसका आयरन भी बहुत बड़ा है बेचारी का, टेस्ट भी कराते हैं हम लोग, ये लोग बहुत कोशिश करते हैं, मगर इसका ब्लड ग्रुप जो है ना वो मुश्किल से मिलता है, बहुत नहीं मिल पा रहा। क्या उम्र है इसकी जी? क्या एज कितनी है इसकी? ये 8 साल की है बच्ची, इसका हाथ पांव भी नहीं चल रहा बेचारी, थैलेसीमिया की वजह से, थैलेसीमिया की वजह से, हाँ 3 साल आ गए जी, इसके हाथ पांव भी ख़त्म हो गए बेचारी के, नहीं चल पा रही, जो ये माशाल्लाह तो सही है, चलता है फिरता है खाता है, फिर इसको भी, हाँ इसको भी इसको नहीं, हाँ इसको भी चढ़ता है 15 दिन के बाद, जैसे नहीं चल पा रही इसको खुद गोद में लेके आती हूँ ब्लड चढ़वाने के लिए, इसका आयरन भी बहुत बड़ा है, हम लोग आसान आसान कहते ना कि कह सकते हैं ना कि इन बच्चों का हर 15 दिन बाद जिस्म का पूरा खून तब्दील होता है, खत्म हो जाता है, पेट्रोल की तरह है, खत्म हर हफ्ते इनको ब्लड डाल, नया ब्लड बस, और एक बड़ा एक पेशेंस वाला तकलीफ वाला भी प्रोसेस, बहुत तकलीफ होता है, कैनूला पास करना इनकी ज़िंदगी में रोज़ाना हर हफ्ते का, घरों में क्या होता है खून नहीं देते, रिश्तेदार हैं वो भी डरते हैं देने से, हमें ना बीमारी लग जाए, हाँ कि खून बच्चे हैं तो वो नखरे करते हैं कि भाई इतने से ये वो, हर बंदे की बातें सुननी पड़ती है, ये तो हमें पता है ना हमारे दिल पे क्या गुजर, हमारे तो औलाद हम तो नहीं भेज सकते ना इसको, हर तकलीफ में जो भी हो कैसे मांगे कुछ करे, हमें तो पता है इनको बचाना, हमने कोई तैयार नहीं होता खून देने के, इधर से मांगो उधर से मांगो, हमें पता बच्चों का इलाज करवाना, हमने चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी 5 बेटियाँ एक ही बेटा मेरा, तो हमें ये तो सबसे ज़्यादा अजीज है मुझे, और ये इसी तरह से मतलब से मैंने कहा ऐसे हज़ारों केसेस हैं, और ये मेरे ख्याल है वसीम इनका ब्लड ग्रुप भी मेरे ख्याल है, डॉक्टर साहब मैच करना ज़रूरी है, हाँ हाँ बिल्कुल ज़रूरी, हर ग्रुप ब्लड ग्रुप मैच करना ज़रूरी है, अगर रिश्तेदारों के अंदर किसी का ब्लड ग्रुप नहीं है तो फिर
रिश्तेदार नज़दीक ही नहीं आते हैं, चले जाते हैं कि ये आ रहा है सामने से, ब्लड ना मांग ले, पैसे ना मांग ले। ये तो छः छः सात सात बच्चे के घर के अंदर हैं, ज़िंदगी भर आखिर क्यामत तक का काम है ये। बिल्कुल ऐसे इसी तरीके से ये एक और फैमिली है, इनके भी दो बच्चे साथ आए हैं। आप ये दोनों बच्चों को? जी मेरे भी दोनों बच्चों को खून चढ़ता है। मेरे शोहर की इतनी आमदनी नहीं है, वो किसी की दुकान पर काम करते, सेल में नहीं गया, उनकी तनख्वाह भी ज़्यादा नहीं है, किराए का घर है, परेशानियाँ बहुत हैं मुझे। मैं चाहती हूँ मैं अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकूँ, तो मैं इसलिए वो पैसे अपने इनके में लगाती हूँ पढ़ाई में, तो घर का गुजारा कर चलाना मुश्किल होता है। हमें घर का खर्च नहीं चल पाता हमसे सही, लेकिन इन्हें पढ़ा इसलिए नहीं होंगे बच्चों की। ये मेरा बेटा 12 या 13 साल में अब लगने वाला है, और ये मेरी बेटी है 6 साल की। पैदाइश से है दोनों को? चल पैदाइश से नहीं है, लेकिन इनको साल बाद, दो साल बाद इस तरह से हुआ। और मैं जब से ये बस इसमें ही लगी हुई, 15 दिन 20 दिन में इन वालदैन की जिंदगी ऐसी में गुजर जाती है सारी की सारी, हर थोड़े दिन बाद बच्चे के लेकर जाना है, फोन चढ़वाना है। मदद नहीं करते, सब मुंह फेर लेते हैं, ना ब्लड देते हैं कि कहीं ये पैसे ना मांगने आ जाए, कोई परेशानी बता के। एक कॉलर भी है मेरे साथ, जरा बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जनाब कौन भाई बात कर रहे हैं, कहाँ से? हेलो अस्सलाम। वालेकुम सलाम। कौन भाई बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? हमजा बिलाल बात कर रहा हूँ, गुलशन इकबाल कराची से। जनाब जी हमजा भाई, क्या मैं 10 लाख रुपए का अनाउंस करना चाहता हूँ काशिफ पाल चलिया के लिए। हमजा भाई दोबारा कहिएगा, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। मैं 10 लाख रुपीज का अनाउंस करना चाहता हूँ काशिफ पाल चलिया सेंटर के लिए। 10 लाख रुपए? वाह। 10 लाख रुपए, वाह वाह, ये तो। और मैं मंडे को काशीपाल चालीस में जाके पर्सनली विजिट भी करूंगा और जो चेक भी वहीं दे दूंगा। बल्कि आप हमें बताइएगा तो हम चाहेंगे कि हम अपना भी कोई नुमाइंदा वहां पर भेजें, ताकि जब हम दिखाएंगे कि आप मदद कर रहे हैं तो उससे मजीद लोगों की हौसला अफजाई होगी। तो हम आपसे कंट्रोल रूम के दोस्तों से कहूंगा कि इनका नंबर लें। 2 बजे रख लीजिए, मैं मंडे को 2 बजे जाऊंगा। पीर को दोपहर 2 बजे हमजा साहब आ रहे हैं थैलेसीमिया सेंटर और 10 लाख रुपए अपने हाथों से दे रहे हैं। वाह, ये तो जबरदस्त काम हो गया, पैसे वसूल हो गए। शुक्रिया आपका कि आपने हमारी तकलीफ को समझा। मैं समझता हूँ कि आज जितने लोग बैठे हैं, पूरी दुनिया के लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। एक बच्चे को, हमारे यहाँ 600 बच्चे हैं, अगर हमारे एक एक बच्चा स्पॉन्सर कर लें, अपने बच्चों की तरह गोद ले लें। एक मिनट बता दे, सेगमेंट क्लोज करना। एक बच्चे की स्पॉन्सरशिप कितना पैसा? एक बच्चे के ऊपर आपके 8,000 से 12,000 15,000 20,000 तक खर्चा, 10,000 एवरेज रख ले एक बच्चे पर मंथ ताकि गोद ले ले इस तरीके से बच्चा भी अगर लॉक करना चाहे। और जाते जाते जरा वर्का साहिबा आप आइए जरा मेरे साथ। वर्का है इनकी नवासी और वे पूरा खानदान प्रैक्टिकली इस मर्ज के खिलाफ जद्दोजहद कर रहा है। तो वर्का माशाल्लाह खुद तो बिल्कुल ठीक ठाक सही सलामत है, लेकिन ये भी इस कैंपेन में अपने तौर पर हिस्सा लेती हैं और लोगों को कन्विंस करती हैं, ताकि उनको बताया जाए कि कैसे इस मर्ज से बचा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक। क्या ये टीवी पे लोग देख रहे हैं बहुत सारे, जरा उन्हें बताओ भाई कि थैलेसीमिया से कैसे बचते हैं और क्या करते हैं, बताओ जरा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बरका है और मैं खुद ही एक थैलेसीमिया माइनर हूँ, बट मैं बीमार नहीं हूँ। क्योंकि अगर दो थैलेसीमिया माइनर शादी कर ले तो उनका न्यू बॉर्न एक थैलेसीमिया मेजर हो सकता है, जिसको ब्लड की ज़रूरत होगी। तो आई अपील ऑल ऑफ यू दैट प्लीज डोनेट ब्लड सो दैट द चिल्ड्रेन कैन सेलिब्रेट देयर ईद विद बंडल ऑफ जॉयज लाइक अस। प्लीज ब्लड डोनेट करें और ज़कात दें। माशाल्लाह। और आई वांट टू थैंक सर भाई फॉर कॉलिंग अस एवरी ईयर। क्या बात है भाई, जबरदस्त। इससे ज्यादा इसको नहीं बोलने दूंगा, वरना ये ना हो कि हमारी छुट्टी करवा दें और खुद आपको यहाँ पे होस्टिंग शुरू कर दे भाई। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत सारी तालियां वर्खा साहिबा के लिए। और हमजा भाई आपका बहुत शुक्रिया। पीर को दोपहर 2 बजे हम अपने नुमाइंदे भेजेंगे, कंट्रोल रूम के दोस्तों ने आपका नंबर लिया है और इंशाल्लाह हम दिखाएंगे लोगों को कि आपने किस तरह से हो सके तो इस अल्लाह के नेक बंदे को यहाँ भी बुला लो, है ना? हाँ, इंशाल्लाह हम बिल्कुल रब्ता करेंगे। बहुत नवाजिश आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का, बहुत शुक्रिया। एक वक्त के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। लिए आ गया बिन तेरे में।
हाँ जी फरा साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। खाना बना रहे? अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनें, मेरे भाई, आप सब कैसे हैं? हाँ चले, सब हाथ हिला रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो खाना बनाने से पहले लाइफ बॉय से हाथ ना धोया जाए तो फिर वो अधूरा काम रह जाता है, तो मैंने सोचा कि हाथ धो लूं। धो लिए जी? मैंने धो लिए। आज मैं आपको हबशी हलवा बनाना सिखाऊंगा, हबशी हलवा। और हबशी हलवा क्या होता है ये मैंने फरा को बता दिया, आपको बताएंगे। जुनैद भाई आज मुझसे गलती हो गई। वो क्या? मैंने बता दिया शुरू में मैंने बनाना क्या है, देखिए अब इसकी सजा मुझे मिल गई फौरन। अब बताएं हबशी हलवा क्या होता है, डिस्कस करें। हबशी हलवा, आप हलवाई की शॉप पे जाते हैं तो हबशी हलवा जिसमें अखरोट वाला भी होता है, और पहले तो मुल्तान का बड़ा मशहूर होता था जिसे हम मुल्तानी हलवा कहते थे, वो एक्चुअली होता हबशी हलवा ही है। बादाम वाला भी होता है, काजू वाला भी होता है, और वो मजे का होता है। अशरफी हलवा होता है? अशरफी हलवा, अशरफी हलवा होता तो नहीं, अगर अशरफियाँ मुझे मिल जाए तो मैं अब भी बना लूंगी अशरफी हलवा, इसमें कौन सी मुश्किल बात है। तो हबशी हलवा हम बाजार से ही लेके खाते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आज घर में मैं बनाना क्यों ना सिखाऊं, मुझे तो आता था लेकिन मैं आपसे भी ये रेसिपी को ज़रूर शेयर करूं, आप भी घर में इसको बनाएं। बहुत अच्छी मिठाई होती है, आप इसको बना के रख दें, ये ख़राब भी नहीं होती है, और आपको जब दिल करे थोड़ा थोड़ा आप खाएं, और फ्रूट से ड्राई फ्रूट्स जो आपके घर में मौजूद है आप उससे बनाएं, और बहुत आसान सा होता है वो, मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। और अशरफी हलवा एक ही नहीं, बहुत फर्क। सोहन हलवा तो बहुत सख्त सा होता है, हबशी हलवा जो होता है वो बहुत दानेदार सा होता है, वो चेंज होता है, दोनों बहुत फ़र्क है। आ जाएं सोहन हलवे के लिए, सोहन हलवे के लिए अभी मुझे वो वसीम डिस्कस कर रहे थे कामरान भाई से कि फरा का यह सेगमेंट बहुत छोटा है तो टाइम प्लीज बढ़ा दें, तो सोहन हलवे के लिए मुझे खास 2 घंटे देने पड़ेंगे, अभी आप यही कह रहे थे ना उसमें मिलेगी, मुझे आपको काटना ही पड़ेगा उसमें, काफी नहीं होंगे आपके लिए। अच्छा जी, अच्छा तो ये आपका काम है, अच्छा कहाँ गए? मेरा काम है आग लगाने, लगा दिया ये। हाँ लगाती है, ये मैंने ही कहा था आग लगा दें, ये आपका काम जो था इस चमचे से आपने ये चमचा घुमाना है। अच्छा सबसे खास चीज हबशी हलवे के लिए मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास है दूध, आप ले लें, दूध के अंदर 2 किलो मैंने दूध ले लिया, 2 लीटर दूध ले लिया, 2 लीटर दूध के अंदर मैंने सिरका शामिल कर दिया 1 टीस्पून। जब इसे गर्म किया, जब दूध जब फट जाता है तो हम इसमें मावा बना लेते हैं घर में, यूजली हमारा दूध खराब हो जाए फट जाए तो ये हमारे पास जो यहाँ पर मावा बच जाता है, हम इसमें शुगर और घी डाल के मावा बना लेते हैं घर में और सब बड़े शौक से खाते हैं, तो वही चीज़ मैंने ली गई है उसमें, दूध फाड़ के जो इसका छेना था वो मैंने इसको छान लिया और इसको अब मैं यूज़ करूंगी हबशी हलवे में। ये तो आज पहली बार था सुना, ये चीज़ भी इस्तेमाल, बिल्कुल यही इस्तेमाल होती है, रसगुल्ले में भी यही चीज़ इस्तेमाल होती है, ये मिठाई वाले, ये बिल्कुल वही रेसिपी है जो मिठाई वाले हलवाई जो बनाते हैं, सेम वही रेसिपी है, ठीक है। और ये बहुत तेज़ आँच पे बनेगा, तो ये वाला मेरे पास छेना था, ये तकरीबन 2 लीटर दूध का है, तो इतना निकलता है, कम ही निकलता है, पानी इतना सारा होता है, तो ये पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसे मैंने मलमल के कपड़े में डाल के मैंने इसे छान लिया था, वरना तो मुझे पानी जलाने में बहुत देर हो जाती। मलमल के कपड़े की क्या साइंस है इसमें? ये पानी सारा निकल जाएगा, इसका गुदा रह जाएगा, वरना अगर मैं पानी यहाँ पे लेके बैठूंगी तो बहुत देर हो जाएगी। अच्छा ये बहुत मेरा तेज हो चुका है, तो फिर तो आज तो वसीम की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, बहुत बिल्कुल इसको घुमाने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा देखिए मैंने चूल्हा जला लिया था, अब मेरे पास यहाँ पर 2 शुगर है, एक तो हमारी सादी वाली शुगर है व्हाइट, और एक मेरे पास ब्राउन शुगर है, आप चाहें तो इसको ब्राउन शुगर बना सकते हैं, ब्राउन डाल देती हूँ मैं इसमें, ठीक है। ये 1 कप के बराबर ब्राउन शुगर है और ये कम है, ठीक है, ये मैं मीठा कम कर रही हूँ, ज्यादा नहीं है, ये मीठा कम है इसमें, इसमें वरना 2 इसके अंदर कप होना चाहिए। जुनैद भाई वहां से 1 और शुगर ले लें, मुझे कहा गया है कि नहीं कम नहीं ज्यादा मीठा करना है, अब बताएं मैं क्या करूं? खाना उसी ने ना, खाना उसी ने ना, हाँ तो मैंने सोचा था 1 कप, देखिये मैं तो 1 की लाई थी, अब मैं क्या करूं, मुझे कहा गया है कि मिठाई बन रही है वो भी कम शुगर वाली, मैच नहीं करता, शुगर कर दो इसमें, डालो और इसमें थोड़ी सी और ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा मैं पानी शामिल करूंगी क्योंकि छेना जो था हमने बिल्कुल पानी से ड्राई कर लिया था, वो अपने ही पानी में पकता है। अब इसको आपका काम आ गया, आप घुमाए चले, आपका काम आ गया, मैं दूसरी चीजें इसके बताती जा रही हूँ। चलो भाई, मेरा काम कह लें या असल काम कह लें, जो भी कह लें। हाँ असल काम तो यही होता है, बाकी तो ये कोई काम ही नहीं, रेसिपी तो कोई काम ही नहीं है। वैसे आपने खाया है ये हबशी हलवा खाया है आपने, अखरोट वाला? एक कोई हलवा खाया तो है मुल्तान का जी, वो बहुत सारे मसाले, वो जिसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, यही वाला हलवा, वही वाला, बिल्कुल यही वाला हलवा है, मजे का होता है हबशी हलवा। ये अपने पानी में पकेगा, तेज आंच पे आप इसको थोड़ा सा पकाएं। अच्छा ठीक है, अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी, इसका जो जरूरी चीज था वही था, दूध का जो फाड़ के इसका पानी निकाल के और जो इसका छेना था वही असल चीज उसकी वही होती है। अब मैंने इलायची के दाने 2 से 3 अदद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए, अब इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है वेनिला एसेंस तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है, ये तेज आंच पे बनने वाला है। असल में मैं तो इस बात पे हैरान हो रहा हूँ कि आप इसको 10 मिनट में बना लेंगी। बिल्कुल इंशाल्लाह मैं इसको बना लूंगी, इसी वजह से मैंने आसानी के लिए पानी सारा का सारा मैंने इसका छान लिया है, असली गूदा ले लिया। अगर आप घर में करते हैं
बस ये बनने वाला है, बस इसका पानी ड्राई होगा ये बन जाएगा। और मैंने आज भी इसकी तेज करवा ली थी। और ये मेरे पास है 1 टेबल स्पून मैदा, सिर्फ और सिर्फ 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैदा शामिल करूंगी। ठीक ठीक है, आप इसको घुमाते रहें। अब अखरोट रखे हुए, अखरोट रखे हुए में, अखरोट का और बादाम और पिस्ते का। अशरफिया नहीं थी मेरे पास, ये है मेरे पास। अच्छा, इसका कलर हमें देना होता है, ब्राउन कलर देना होता है। हबशी हलवा ब्राउन कलर का होता है, लाइट ब्राउन कलर का होता है। तो ब्राउन फूड कलर बहुत मुश्किल से मिलते हैं, मिलते नहीं है, वरना तो येलो होता है, रेड होता है, ग्रीन होता है, जो हम जेली फालूदे में बनाते हैं। तो इसके लिए आप कोको पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, खुशबू भी आएगी और उसका कलर भी आएगा। ठीक है, कोको पाउडर में डाल रही हूँ इसके कलर के लिए। आप करें इसको घुमाएं, इसका कलर आ जाएगा, हबशी कलर का। एक रंग आएगा और एक रंग जाएगा, आप देखें वो जाएगा तो दूसरा आएगा ना। अच्छा, आपने खाया, आप बताएं ना, आप रबड़ी के अलावा ये हलवा भी तो खाते होंगे। सर मैं बस रबड़ी पे ज्यादा ध्यान है मेरा, हलवा नहीं खाते आप? चखता हूँ। चखते आप हलवा? चखते हैं। हाँ। लेकिन ये हलवा बहुत मजे का होगा, बहुत ही अच्छा हलवा होगा। हाँ, वैसे देखने में लग तो रहा है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा हमने जब इसका छेना निकालना था, दूध को फाड़ना था, तब भी हमने सिरका या लेमन शामिल करेंगे, कोई भी खट्टी चीज तो वो दूध फट जाता है आपका। और जब इसको बना रहे होंगे तो ये मेरे पास है सिरका, 1 टीस्पून सिरका डालेंगे। सिरका भी जाएगा इसमें? बिल्कुल, सिरका भी इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर सिरका। इसकी रेसिपी, ओरिजिनल रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, तो आप इसको जरूर फॉलो करें, इसको बनाएं, ये बहुत अच्छा होता है। और ये मेरे पास है खुश्क दूध। ठीक है, हम इसमें वो वाला दूध नहीं शामिल कर रहे जो डेयरी का मिल्क होता है, क्योंकि उससे पानी पानी हो जाएगा, आपको पकाने में बड़ा मसला होगा। तो आपने इसमें खुश्क दूध, और खुश्क दूध आपको पता है खोए का काम भी करता है। खोया आपको महंगा लग रहा है या नहीं मिल रहा, बहुत सी जगहों पे नहीं मिलता, तो आपने ड्राई मिल्क ले लेना है, वो यूज कर ले, वो एक ही काम होता है। तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने ड्राई मिल्क शामिल किया, आप इसको घुमाते रहे। ठीक है, देखिए इसका पानी ड्राई हो रहा है, ये बन रहा है, बन तो रहा ये है। बन जाएगा, पूरा पानी ड्राई हो जाएगा तो ये बन जाएगा। अच्छा, अब मुझे इसमें चाहिए ये रेसिपी, तो आपकी मैं भी सीख रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप सीखें, ये बहुत अच्छी रेसिपी है, ऑल सीरियसनेस। अच्छा, इसमें आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास मीज़ान ऑयल है तो घी की कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें, इसमें कोई हीक नहीं आती, बहुत लाइट होता है। और मैं पराठे भी मीज़ान के ही बनाती हूँ, कबाब भी बनाती हूँ, और मैं अब आपको मीठा भी मीज़ान का ही बना के दिखाती हूँ, इसमें घी का इस्तेमाल नहीं होगा, वरना हलवाई हमेशा घी का इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसको मीज़ान हलवा भी कहते हैं फिर? मीज़ान हलवा कह सकते हैं, बड़ा जबरदस्त होता है, मीज़ान में हर चीज़ अच्छी लगती है। सुनो भाई मीज़ान वालों, आने वाले वक्तों में तुमने हलवा भी बनाना है। बिल्कुल, मीज़ान में हर चीज़ अच्छी पकती भी है, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें घी आने वाले दौर के इंसान मीज़ान का हलवा पकाएंगे, मीज़ान का। वाह, आज आपने तो ये आपको बताना है कि जरूरी नहीं है कि आप घी और मक्खन में ही सारी चीजें बनाएं, बिल्कुल जायके के लिए, इसका टेस्ट भी अच्छा है। देखिए, अब इसका घी ऊपर आ रहा है, इसका मतलब है पानी सारा ड्राई हो रहा है, हमारा हलवा तैयार होने वाला है, हबशी हलवा तैयार होने वाला है। इसमें मैंने बादाम ऐड कर दिए हैं, बादाम ऐड कर दिए। जुनेद भाई गौर करें मैं क्या कह रही हूँ। लो ठीक है, और ये है मेरे पास, मतलब ये बादाम बोल के आप वसीम को क्यों देख रही हैं? मैंने देखा ही नहीं, मैंने आपको देखा, गौर करें, मतलब मैं एक मानी खेस तरीके से आपने बोला मैंने इसमें बादाम ऐड कर दी। बिल्कुल भी नहीं, आप क्या भाई हैं, कहते हैं अशरफी साहब की तरफ नहीं देखा था? अशरफिया जब कह रही थी तब अशरफी साहब की तरफ नहीं देखा? नहीं देखा, वही तो मैं कह रहा हूँ। जुनेद भाई आप सबूत दे, मेरे भाई हैं, मैं आपका सबूत मेरी तरफ जारी करनी चाहिए। बिल्कुल, मैं तो आपकी बिल्कुल मदद के लिए खड़ा हूँ। वसीम अब होशियार हो जाए आप। अच्छा, इसमें अखरोट, क्योंकि अखरोटी ये हबशी हलवा होता है, वो अखरोटी हलवा ज़्यादा अच्छा होता है, टेस्टी सा होता है, तो इसमें मैंने अखरोट भी शामिल कर दिए हैं। अखरोट डालें आप इसको, आपका काम है वो करते जाएं आप, तो आप मतलब अपना काम करें, जायका उसी से आना है, हमारी रेसिपी तो फेल है। आँच थोड़ी कम ना करें? नहीं नहीं नहीं, आँच सही है। हाँ, इसको बस जलाना है, जब तक नीचे लगेगा नहीं ना ये पैन के तो ये बनेगा नहीं, बस ये लगना चाहिए, ये इसको जलाना है। वैसे वाकई सही कहा, सोहन हलवा बन गया, सोहन हलवा हफ्शी हलवा, सॉरी सोहन हलवा में फर्क होता है थोड़ा सा, कोई बात नहीं भाई, थैंक यू। आप चांद रात तक सीख जाएंगे, आप नाम तो सीख ही जाएंगे, प्रोडक्शन वाले मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। खाना बनाना आपको नहीं आया? सोहन है या हफ्शी है, जाएगा तो पेट में, हलवा है ना है? ये तो सही भाई, यार ये देखें आप चिपक रहा है इसमें, देखें कितना अच्छा लग रहा है ये हलवा, देखें आप इसको, आप घुमाएं ना, आप अपना काम करें, घुमा लिया ना। हाँ, आप क्यों देख रहे हो, ब्रेक का टाइम हो गया, बस बस मैं इसको डिश आउट, जब तक तो मैं डिश आउट ना करूं, ब्रेक ले नहीं सकते। डालने की जरूरत नहीं है, मैं पिस्ते भी डालूंगी और अखरोट भी डालूंगी, ऊपर से इसको गार्निश करेंगे ना, थोड़ा सा ऐड किया है। ठीक, लेकिन हलवाई वाले क्या करते हैं, अंदर आप जब बना रहे होते तो इतने बादाम पिस्ते नहीं डालते, ऊपर ऊपर डाल देते हैं, लेकिन हमने जो है ईमानदारी से काम किया है, पकाते हुए भी ऐड किया है, अब डिश आउट करते हुए भी ऊपर डाल। ये हलवाई ईमानदार नहीं होते जी, ये हलवाई ईमानदार नहीं होते, ये चक्कर देते हैं हमें। आपका रिश्तेदार तो नहीं है? नहीं मेरा, नहीं। हाँ तो नहीं, चक्कर देते हैं, देते हैं, देते हैं चक्कर, आप बोल दिया चक्कर देते हैं। ठीक है, अच्छा ये हमारा हलवा, लोग भी तो फातिहा पढ़ा देते हैं ना नाना जी का, ये भी तो होता है।
अच्छा ये मेरा हलवा, यहाँ पर हलवा तैयार हो चुका है, देखिए ये ऐसा आपको लग रहा है कि ये नीचे से चिपक रहा है ये हलवा। आज थोड़ा क्रेडिट ज्यादा दे देना यार, आज हमने ज्यादा क्रेडिट दे रहे हैं, मतलब आज इसको थोड़ा क्रेडिट ज्यादा दे देना। एक सेकंड। अच्छा हाँ, मेरा मतलब अजीब अजीब हलवाई वाला हलवा बनाया है और इसको आप फैला दे और इसको आप जब ठंडा हो जाएगा तो इसके पीसेस भी फैलाए, वैसे ही बहुत फैल रहे हैं। मुझे टिश्यू पेपर दे दीजिएगा वसीम, ठीक है। इसको पीसेस भी हो सकते हैं, जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये जम जाएगा, फिर आपने क्या करना है इसके पीसेस करके उतार के रख लें। या वैसे इस हब्शी हलवे के पीसेस नहीं होते, ये वैसे ही खाया जाता है, बहुत सख्त हो जाता है, ये बाइंड हो जाता है क्योंकि हमने इसमें ब्राउन शुगर भी ऐड की है, ठीक है। और ये अखरोट है, इसको थोड़ा सा क्रश करके अपने हाथों से इसके ऊपर डाल दें, उसको थोड़ा सा दबाएं ताकि ये अच्छा लगता है, अंदर अंदर तक होता है ये। वाह जी वाह, ये हमारा हब्शी हलवा, बिल्कुल हलवाई वाला हलवा, और इसमें बादाम थोड़े से जाएंगे। वाह, फिर वही बादाम, बिल्कुल। और हब्शी हलवे में हम चांदी के वर्क नहीं लगाते, ठीक है। अच्छा, बाकी मिठाई में लगाते हैं लेकिन हब्शी हलवे में हमने चांदी के वर्क बिल्कुल भी नहीं लगाने। और ये बहुत दाने दाने की तरह होता है, बड़ा अच्छा लगता है, इसको आप खाएं और हमें अपनी दुआओं में तालियां बजा दें मेरे लिए। वेरी वेरी नाइस, अरे उन्होंने फ्रेम बनाया हुआ था, आप लोग उठा भी ले गए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। माहे रमजान यूं आ गया, बनके रहमत